हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अलाउ। दोस्तों, कल जैसा कि बाजार के अंदर सबने गिरावट देखी, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक बाजार तकरीबन जो बाजार का जो एक गैप बना है 10,340 से 10,380 के बीच में, उस गैप को होल्ड करता हो, आपको लॉन्ग पोजिशन बनाए रखनी है। कल मैंने आपको यह भी बोला था, जब बाजार 10,420 के आसपास बंद हुआ था, कि आप 10,420 पर या 10-20 पॉइंट इसके नीचे मिले तो आज बाजार ने तकरीबन 10,405 के आसपास आपको बाइंग करने का वो मौका दिया। उम्मीद करता हूँ आप सबने वहाँ से बाइंग की होगी, और 10,460 तक के लेवल जो बाजार ने दिखाए होंगे, वो 30-40 पॉइंट्स के गेन आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कमा लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी बाजार जो टेक्निकल चार्ट्स पर दिख रहा है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट है, और जो ऊपर की तरफ मैंने आपको वीकली चार्ट्स पर जो टारगेट दे रखे है 10,650, वहां तक बाजार काफी जल्दी पहुंच सकता है। तो आइए एक बार डेली चार्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, डेली चार्ट्स पर आज हमने सबसे ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि हाईएस्ट क्लोजिंग बाजार की आज के लेवल पे मिली है, यानी कि 10,452.20 की जो क्लोजिंग है वो आज तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। बाजार के अंदर आज हमने कुछ नए हाईज बनते हुए देखे, लेकिन बाजार वहां से टिका नहीं, लेकिन 5-10 पॉइंट के लॉस के साथ, यानी कि अपने हाई लेवल के आसपास ही बाजार बंद होने में कामयाब रहा। दोस्तों डेली चार्ट्स पर जो आज एक यूं कहें कि हैंगिंग मैन टाइप का जो स्ट्रक्चर या इनवर्स हैमर भी जिसको कई बार हम कहते हैं, वो हमें देखने को मिला है। ये बाजार के अंदर थोड़ा वीकनेस को दर्शाता है, लेकिन जो ये वीकनेस है ये कन्फर्म होगी जब आज का जो लो है, यानी कि 10,405 के आसपास से बाजार नीचे की तरफ क्लोज देगा। तो फिलहाल के लिए ये जो पैटर्न बना है इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, RSI 70 के ऊपर ट्रेड कर रही है। दोस्तों जब वीकली चार्ट्स की बात करें, तो वीकली चार्ट्स पर मैं आपको लगातार बताते हुए आ रहा हूँ किस प्रकार से बाजार एक बड़ी तेजी के अंदर है, और यहाँ से तकरीबन हमें 200 पॉइंट की तेजी वीकली चार्ट्स पर और देखने को मिल सकती है, जो हमें तकरीबन 10,650 के आसपास तक लेके जा सकती है। लेकिन ये टारगेट मेरे जो नवंबर एक्सपायरी या मिड ऑफ दिसंबर तक मैंने आपको पहले ही बताया था, तब तक मीट होने की उम्मीद है। दोस्तों एक बार डेली जो एनालाइज हमारा फंडामेंटल और ये एफएनडो का जो डाटा है उसको एनालाइज कर लेते हैं। कल जैसा कि आप सबने देखा था, बाजार के अंदर हमें 40 पॉइंट्स के जो गिरावट देखी थी निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, तक उसके बावजूद हमने तकरीबन 4.5% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आया था। लेकिन साथ में कल मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो काफी वीक हैंड्स में है, और उसकी शॉर्ट कवरिंग हमें आज के सेशन में देखने को मिल जाएगी। तो आज सब आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से 10,405 के आसपास निफ्टी जाते ही वहां से बाजार के अंदर एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आई, और हमें तकरीबन 10,460 तक के लेवल्स इंट्राडे के अंदर देखने को मिले हैं। आज फिर से हमने 34 पॉइंट के गेन बाजार के अंदर रजिस्टर किए हैं, और तकरीबन 2.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। ये दिखा रहा है कि जो फंडो के ट्रेडर है वो बाजार के अंदर अभी भी लॉन्ग पोजिशंस बना रहे हैं। दोस्तों अगर कोलपुट डाटा की बात की जाए, तो कोलपुट डाटा तो काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस प्रकार 10,500 इक्वल कॉल से कल भी हमने अनवाइंडिंग देखने को मिली थी, और आज भी तकरीबन 2.25 लाख शेयर अनवाइंडिंग होते हुए नजर आए हैं। और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जो 10,500 पहले खड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे कम होने लगा है, और ये शिफ्ट होकर 10,600 की तरफ जाने लग गया है। वहीं अगर पुट राइटिंग की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पहले जो 10,000 के आसपास खड़ा था, वो 10,200 पे आ चुका है, और अभी भी 10,000 के आसपास तो खड़ा ही है, लेकिन 10,200 के आसपास तकरीबन 53 लाख शेयर नए जुड़ चुके हैं। आज हमने 10,500 की पुट के अंदर भी कुछ राइटिंग देखने को मिली है। ये बाजार के ट्रेडर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। पुट कॉल रेशियो अपने क्रिटिकल लेवल यानी कि 1.5 की तरफ बढ़ते हुए चल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए भी ये हेल्दी लेवल पर 1.25 से 1.30 के आसपास चल रहा है। दोस्तों आइए बाजार के अंदर हम मंडे के लिए कॉल बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार का एक हैंगिंग मैन स्ट्रक्चर एक डेली चार्ट्स पर आज बनते हुए नजर आया, वैसे तो उसे एक बेरिश कैंडल मानते हैं, या यूं कहें कि एक ट्रेंड का रिवर्सल होते दिखाई देता है, लेकिन जब तक बाजार 10,405 को होल्ड करता है, मैं आप लोगों को शॉर्ट जाने की सलाह नहीं दूंगा, और मैं अपने जो पहले वाली जो मेरी आपके लोगों के लिए जो राय थी उसी पर कायम रहता हूँ। बाजार को यहाँ पर 10,440 या 20 के आसपास आता है तो बाय कीजिए, डीप स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 10,350 के नीचे का, और नॉर्मल स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 10,380 के नीचे यानी 10,370 के आसपास लगाइए, और वहां से बाजार को बाय करके चलिए। ऊपर की तरफ आपको टारगेट के तौर पर दोबारा से 10,520 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।